और अल्लाह जो उसका परवरदिगार है उससे डर करके लिखवाए, इमला कराए। यानी मिसाल के तौर पर अब सामान मुझे अभी दे दिया गया है, बेचने वाले ने सामान बेच दिया है और मुझे मुद्दत दी गई है कि मैं उसकी अदायगी 4 महीने के बाद कर दू, 6 महीने के बाद कर दू, अब ये उधार लेन देन हो गया। तो अब जब लिखा जाए तो अल्लाह क्या फरमाता है, अलैहिल हक, जिसके ऊपर हक वाजिब है, हक मेरे ऊपर वाजिब, मुझे सामान मिल चुका है, पैसे मुझे अदा करने हैं, तो मुझ पर हक वाजिब है उस आदमी का जिसने मुझे सामान दिया है कि मैं उसको अदा करूं। तो अल्लाह मुझे मुखातब कर रहा है कि वो इमला कराए जिसके ऊपर हक वाजिब है। मुझे चाहिए कि मैं फिक्र करूं, हलाल हराम से बचूं, हलाल पर ही इत्तेबा करूं, अल्लाह से डरूं, अल्लाह तबारक व तआला का मेरा परवरदिगार है उसका खौफ करूं, उसका तक्वा अख्तियार करूं, और मैं लिखवाऊं, मैं बोलूं कि भाई इतना इतना हक मेरे ऊपर वाजिब होता है, इन्होंने ये सामान मुझे दिया है, इसकी इतनी कीमत है, फला तारीख को मुझे अदा करना, मुझको चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी। आदमी लेने वाला बेफिक्र हो जाता है, मुझे कोई परवाह नहीं, जिसको चाहिए वो लिखवाएगा क्योंकि उसको लेना है, तो फिक्र है अल्लाह तआला उसको मुखातब फरमाता है जिसके ऊपर हक वाजिब है, वो इमला कराए और अल्लाह तबारक व तआला का तक्वा अख्तियार करे, उससे डरे जो उसका रब है। वला यबख़स मिन्हु शैआ और उस हक में से कुछ कमी न करे, जो हक वाजिब होता है उसके ऊपर अपने साथी को अदा करने के लिए, उस हक में से कोई कमी ना करे, उसके अंदर कोई खुर्द बुर्द ना करे, बल्कि उसे चाहिए कि वो अल्लाह से डरते हुए वैसे ही लिखवाए जैसे जैसे उसके ऊपर हक वाजिब होता है। अल्लाह फरमाता है फइन कान अल्लज़ी अलैहिल हक़ सफीहन औ ज़ईफ़न औ ला यस्ततीउ अन युमिल्ला हुवा फलयुमिल बनीहु बिलआदल। अब एक मसला और आ सकता है कि जिसके ऊपर हक वाजिब हो रहा है, जो सामान ले रहा है और उसे पैसे अदा करने हैं, जिसके लिए टाइम वो मांग रहा है, उधार है वो, तो अल्लाह फरमाता है अगर वो शख्स जिसके ऊपर हक वाजिब है, जिसके ऊपर हक वाजिब है या जिसको अदा करना है, अगर वो सफी का मतलब कम अक्ल हो, बेवकूफ हो, बावला हो, नादान हो, अब इसकी कई वजह हो सकती है, हो सकता है कि वो छोटा हो, या हो सकता है कि वाकई अक्ल उसकी कमजोर हो, तेज तर्रार ना हो, समझदार ना हो, ऐसा हो, और ज़ईफ़न या कमजोर हो, कमजोरी किसी भी तरह की हो सकती है। इन दोनों अल्फाज की तफसील में उलमा ने कम अक्ल लोगों को, बेवकूफ लोगों को, कम समझ लोगों को, ऐसे ही बच्चों को जो छोटी उम्र के हों, यानी इतनी उम्र ना हो उनकी कि वो इस बात को इमला करा सके, बता सके, इन दोनों अल्फाज की तशरीह में ये दोनों बातें लिखी, यानी नादान बेवकूफ और कम उम्र के लोग, और ला यस्ततीउ या उसे ताकत ना हो, उसके बस में ना हो, वो ताकत ना रखता हो कि इमला कराए, इमला कराना यानी बताना कैसे ऐसे लिखो, या वो ताकत ना रखे, क्या मतलब ताकत ना रखे, हो सकता है कि वो मिसाल के तौर पर गूंगा हो, जिन्होंने लिखा इस तफसीर में, जो होता है गूंगा, बोल ना सकता हो तो अब वो इमला नहीं करा सकेगा, ऐसी कोई सूरत आ जाए मिसाल के तौर पर, तो फलयुमिल वलीहु बिलआदल, तो उसके वली को, उसके सरपरस्त को, उसके गार्जियन को चाहिए, उसके जिम्मेदार को चाहिए कि वो इमला कराए। हमारे यहां लेन देन के मामले में आप सोचिए कि कितनी ज्यादा बेहतियातियां हैं, इसी वजह से कितने झगड़े हैं, कितने मसाइल हैं, ये सब हमारी और आपकी कोताही का नतीजा है। हम लेन देन कर लेते हैं, कहीं लिखा पढ़ी नहीं होती है, बस एक दूसरे पर भरोसा, और उसके बाद वक्त आता है तो आदमी का इख्तलाफ होता है। कितने बड़े बड़े झगड़े हमारे सामने हैं, ऐसे करोड़ों का लेन देन है लेकिन लिखा नहीं गया, वक्त वक्त से पेमेंट किया है, सौदा हो गया, जमीन है, दुकान है, मकान है, वक्त वक्त से पैसा दिया गया, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 50,000, कई मरतबा में दिया गया और लिखा नहीं है, बस याददाश्त की बुनियाद पर। और नतीजा ये हुआ कि जब ये जोड़ा जाने लगा कि कितनी रकम हमने अदा की है, तो दोनों में इख्तलाफ हो, जिसको दिया गया है उसने कहा इतना ही दिया गया, और जिसने दिया है उसने कहा हमने इतना ज्यादा दिया, दोनों में इख्तलाफ हो, झगड़े साइड खड़े हो, इतनी बारीकियां लिखे, अगर इंसाफ के साथ लिखे, इमला कराए जिसके ऊपर हक वाजिब होता है, अगर वो ना करा सके, छोटा हो, गूंगा हो, बेवकूफ हो, ना समझ हो, तो उसका जिम्मेदार, उसका गार्जियन जो होगा उसे चाहिए कि वो इमला कराए, वो बताए
लेकिन अगर बच्चा होगा तो कोई रमी सरपरस उसका बड़ा होगा, अगर कोई नासमझ अकल का बोधा होगा तो उसका भी कोई रमी जिम्मेदार होगा, बड़ा होगा, जिम्मेदार होगा, वो करेगा। या मिसाल के तौर पर अगर उसे ताकत नहीं है, गूंगा है, नहीं बोल सकता है, तो उसका कोई गार्जियन होगा, बड़ा होगा, जिम्मेदार होगा, वो भी पॉइंट है, लेकिन जरूरी है कि इसको लिख लिया जाए। ये बात अभी सारी चीजें हो गई, उसके बाद ये तो लिखने से मुताबिक बात हो गई कि लिखा जाए, उसके बाद आगे फरमाता है वस्त्र शिरु शहीद जाने को। अब जब लिखा पढ़ी हो रही हो तो चाहिए कि तुम अपने मर्दों में से दो गवाह बना दो, दो गवाह, दो गवाह भी चाहिए, वस्त्र शिरु शहीद गवाही तलब कर लो, यानी दो गवाह बुलवा लो अपने मर्दों में से, मर्दों में से दो मर्द होना चाहिए, गवाही दो मर्दों की होनी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया फइन लम यकुन रजुलैन फरजुलु वम्रातान, अगर दो मर्द ना हो गवाह ना मिले, दो मर्द ना मिले जिनको हम गवाह बना सके, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फरजुलु वम्रा फरजुलु वम्रातान, तो एक मर्द और दो औरतें हो उनको गवाह बना, एक मर्द रहेगा और एक मर्द की जगह पर दो औरतें रहेंगी, इस तरह से ये गवाही दे सकते हैं। आप सोचेंगे कि क्या चार औरतें गवाही दे सकती है, यानी अगर दो मर्द ना हो तो अल्लाह फरमाता है एक मर्द और दो औरतें गवाही दे, तो क्या अगर मर्द एक भी ना मिले तो क्या दो दो मर्दों की जगह पर चार औरतें गवाही दे सकती है, नहीं दे सकती, चार औरतें गवाह नहीं बन सकती, गवाहों के अंदर मर्द होना जरूरी है, अगर दोनों मर्द ना हो तो कम से कम एक मर्द होना जरूरी है, लेकिन बिना मर्द की गवाही हो ही नहीं सकती। तो ये बात समझने की है, यहां अल्लाह तआला फरमाता है अगर दो मर्द ना हो तो दो एक मर्द और दो औरतें गवाही दें, फिर मतलब दो रमीले शुहदा जिन शहीदों से, जिन शाहिदों से यानी गवाही देने वालों से तुम राजी हो, यानी क्या मतलब तुम राजी हो, यानी अल्लाह की किताब दलील की सुन्नत के मुताबिक राजी हो, वो सच्चे हो, अमानतदार हो, हक बोलने वाले हो, बातिल ना बोलने वाले हो, ना इंसाफी करने वाले ना हो, इधर उधर जानकारी और तासुब करने वाले ना हो, ऐसे लोगों को तुम दो गवाह बना लो और दो नवी में एक बार दे दो और दे गवाह बना लो। आगे अल्लाह फरमाता ये इसलिए अगर उन दोनों औरतों में से कोई एक भूल जाए, दो औरतों में से कोई एक भूल जाए तो दूसरी वाली उसको याद दिलाती। अब जब दो औरतों के बारे में अल्लाह ने कहा है कि एक मर्द की जगह पर दो औरतें जमा हो जाए, दो उनको गवाही पर गवाह बना लो, और आगे वही बता रहा है कि इसलिए दो की शर्त लगाई है अल्लाह ने कि अगर दोनों में से एक भूल जाए तो दूसरी उसको याद दिलाती। तो जब औरतों में भूल जाने का मसला है तो अब ये एक मर्द तो मौजूद है, लेकिन अगर दोनों के बदले में चार औरतों को गवाह बना लिया जाए और भूलने की नौबत तो आ सकती है, तो आप बताइए कि गवाहियां कैसे मोतबर बाकी बचे, गवाही का एतबार बाकी नहीं बचे। इसलिए जरूरी है कि एक मर्द जरूरी तौर पर गवाह रहे, अगर दूसरा नहीं मिलता है तो उसकी जगह पर दो औरतें गवाही देंगी। ये अल्लाह के कलाम की आयतें आयत में वाजे है कि गवाही के मसले में एक मर्द की जगह पर दो औरतें रहेंगी, यानी औरत की गवाही मर्द के मुकाबले में आधी गवाही के बराबर है, और शर्त यह है कि एक मर्द जरूरी तौर पर गवाही दे, एक ही की जगह पर दो औरतें रहें। इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस हमारे सामने है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मैंने तुम में से किसी से ज्यादा अकलमंद आदमी की अकल को खत्म कर देने वाला नहीं देखा। औरतों को मुखातब करके अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि मैंने तुम औरतों से ज्यादा किसी मर्द की समझदार और अकलमंद आदमी की अकल को खत्म करने वाला नहीं देखा। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम नाकिसात नाकिसात आकिल व नाकिसात दीन, तुम क्या हो अकल के एतबार से नक्स तुम्हारे यहां है और दीन के एतबार से नक्स तुम्हारे यहां है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बयान फरमाई कि तुम कम अकल वाली हो, कम दीन वाली हो,
और उसके बाद इसी वजह से मैंने तुमसे ज्यादा किसी अकलमंद की अकल को खत्म करने वाला नहीं देखा। तो एक खातून ने फौरन सवाल किया, अल्लाह के नबी, मान नुकसान अकलीना या अकलीना व नुकसान दीनिया, एक औरत के अकल की कमी या दीन की कमी की वजह क्या है, क्यों आप कह रहे हैं कि अकल कम है दीन कम है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क्या ऐसा नहीं है कि जब तुम गवाही देती हो तो अल्लाह तबारक व तआला के यहां तुम्हारी गवाही का एतबार एक मर्द के मुकाबले में आधी, एक मर्द के मुकाबले में आधी गवाही के बराबर है, और जब गवाही देने की नौबत आती है तो मर्द के अलावा एक मर्द की जगह पर दो औरतों की गवाही लगती है। ये क्या है? अक्ल की कमी है, यानी अक्ल की के नक्स की बात है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तय है। और दीन की कमी क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या ऐसा नहीं कि तुमने से किसी औरत को जब माहवारी खून जारी हो जाता है तो वो कुछ दिनों की नमाजें छोड़ देती है और कुछ रोजे भी छोड़ देती है, रोजे तो रखना है बाद में, लेकिन वो नमाजें जो छूटती हैं 5, 6, 7, 8 रोज या उससे भी कम ज्यादा, वो नमाजें उसकी जिंदगी में नहीं होती, तो दीन कम हो जाता है उधर। अब इसका मतलब यह नहीं कि इसमें औरत का कोई कसूर है, मसला ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ऐसे ही बनाया है, तुम्हें फितरी तौर पर अल्लाह तआला ने ऐसे ही रखा है कि तुम्हारी अक्ल को अल्लाह ने मर्द के मुकाबले में आधा रखा है और दीन के मामले में भी अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा रखा है कि तुम ऐसे हालात से गुजरती हो, ऐसे दिनों से गुजरती हो कि उन दिनों में तुम्हारी नमाजें छूट जाती हैं और तुम्हें नमाजें छोड़ना जरूरी होता है, क्योंकि उन हालात में नमाजें पढ़ना दुरुस्त नहीं, और नमाजें अगर तुम पढ़ो तो तुम्हारी नमाजें कबूल भी नहीं होंगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमा दिया कि तुम में से किसी औरत की गवाही मर्द के आधी गवाही के बराबर शुमार की जाती है। इसी एतबार से यहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। बहरहाल उसके बाद आगे अल्लाह तआला फरमाता है, वला यशुहदा इला मादू। खैर यहां से एक मसला तब्दील हो रहा है, मसला यह है कि अब तो हो गई बात, मामले को लिख लिया गया, सब तय तमाम हो गया, उसके बाद दो गवाह मुकर्रर कर दिए गए, दो गवाह नहीं मिले, मर्द तो एक मर्द और एक और एक मर्द की जगह पर दो औरतों को गवाह बना लिया गया, मामला खत्म हो गया, मामला तय तमाम हो गया, दो फरीक के दरमियान बात तय हो गई और आप दोनों चले गए। अब उसके बाद जब वक्त आया अदायगी का, या बीच में कोई मामला हो गया या उसके बाद कोई मामला हो गया, तो अब झगड़े की वजह से अब यह हुआ कि भाई गवाहों को बुलाया जाए, गवाहों को बुलाया, दोनों में अख्तलाफ हो गया, वो कुछ कह रहा है वो कुछ कह रहा है, गवाहों को बुलाया जा रहा है कि भाई ये तकरीर लिखी हुई है, आप लोगों ने गवाही दी थी, बताइए कि आप लोगों ने गवाही दी थी, क्या मामला था? अल्लाह फरमाता है जब गवाहों को बुलाया जाए गवाही देने के लिए तो उन्हें आना जरूरी है, वो आने से गवाही देने से इनकार ना करें, क्योंकि जैसे लिखने के टाइम गवाही देने के टाइम आदमी तासुब का शिकार हो सकता है, ऐसे ही गवाही देने के टाइम भी सब तासुब का शिकार हो सकता है, इसीलिए लोग गवाहों को बोल लेते हैं, गवाहों के साथ साजबाज कर लेते हैं, गवाहों के साथ मामला अपने तय कर लेते हैं ताकि वो गवाह खड़ा हो तो हमारे बारे में गवाही दे, फला के खिलाफ गवाही दे, इस तरह की चीजें भी होती। वह अखबार उतार फरमाता है या गवाही देने के लिए नहीं आते हैं लोग, वक्त आएगा तो गवाही नहीं देते, हालांकि गवाह है वो, लेकिन जब वक्त आया तो गवाही देने से आदमी कतराता है। अल्लाह फरमाता है गवाहों को चाहिए कि जब उनको बुलाया जाए गवाही देने के लिए तो वो आने से इनकार न करें, आए और आकर के गवाही दें। खैर इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मौजूद हैं, वो बात इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल आएंगी। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने लेन देन के मामला में, कारोबार के मामला में, या ऐसे ही उधार किसी ने कर्ज लिया है और सनद कितने दिनों के बाद वापस करेगा, इस तरह की चीजें हों तो बहरहाल उसे लिख लेना चाहिए, गवाह बना लेना चाहिए। इसमें आमतौर पर तो हम ये सोचने लगते हैं कि ये तो जान पहचान का आदमी है, अगर हम लिखवाएंगे तो इसे कैसा लगेगा, कैसा महसूस होगा, हम लिखने की बात करें, गवाही लाने की बात करें तो इसे कैसा महसूस होगा, क्या सोचेगा, ये मुझे बेईमान समझेगा, इस तरह की बात जो है वह सोचते हैं। लेकिन नहीं, अल्लाह का कलाम भी कहता है कि उसे लिख लिया जाए, क्यों? उसकी वजूहत भी आगे बयान किए जा रहे हैं आगे वाले हिस्से में, कि लिख लेना, गवाही बना लेना, गवाह बना लेना, ये
बहुत ज्यादा अदल इंसाफ के करीब है, आपस में झगड़े से बचने की चीज है, तकवा शियार के करीब है। आज हम कतराते हैं, देखने सोचते हैं कि लिखवाएंगे तो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, क्या बेईमान समझे समझ रहे हो हमें, इस तरह की बात सोचेगा। लेकिन वही आदमी जब न लिखने की वजह से झगड़ा और इख्तलाफ हो जाता है तो वो दुश्मनी करने पर आमादा हो जाता है, तो उस तरह के हालात में कौन जवाब देगा, कौन जिम्मेदार होगा? कोई तकरीर नहीं, कोई लिखा पढ़ी नहीं, कोई गवाही नहीं। तो ऐसी सूरत में मेरे भाई को फिर आपस में कशादश नफरत हो जाती है, कोर्ट कचहरी के नौबत आती है और फिर उसके बाद मामला आगे भी बढ़ जाते हैं। इसलिए बेहतर यह है कि अल्लाह का हुक्म अमल, अल्लाह के हुक्म पर अमल किया जाए, अल्लाह का हुक्म माना जाए और लिख लिया जाए, गवाही बना ली जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ने आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बिल आलमीन। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।